गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रजनी भट्ट ब्लॉग्स में। तो सुबह के बज गए हैं 6:30, 7:45 हो गए हैं सॉरी। तो देखिए मौसम ऐसा हो रहा है और बादल लगे हुए हैं हल्के फुल्के और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखो अल्फा जी भी आ गए घूमने। अल्फा कैसा लग रहा है? अल्फा कैसा लग रहा है? अल्फा अल्फा गुड मॉर्निंग। अल्फा को धूप चाहिए, धूप में ऊपर बैठने की कोशिश कर रहा है वो पलंग में, लेकिन अभी धूप बहुत हल्की आई है और ठंड बहुत ज़्यादा है। ओह बाप रे, हाथ अकड़ गए हैं ठंड से मेरे। ये देखिए धूप ज़रा तेज आती तो थोड़ी देर ठंड में राहत मिलती, ठंड से धूप में। तो मेरी छत कुछ इस तरीके से हो रही है देखिए आज। हाय 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 हाय, ये पता नहीं कब खिलेगा मेरा, इसका कलर। ओह यहाँ पर देखिए गुलाब की इतनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। ये है देसी गुलाब। दोस्तों बहुत बार सोच रही हूँ कि जाऊँ नर्सरी कुछ लेके आऊँ, लेकिन फिर ना तो टाइम मिल रहा है, फिर मन भी ऐसा हो जा रहा है कि नहीं लेके आती हूँ, क्योंकि अभी समय नहीं हो पाता है इनकी केयर करने का। जो प्लांट मेरे पास हैं बस वही हैं अभी। इस साल मैंने ना तो कोई भी सीजनल प्लांट गर्मी का लिया, ना ही अभी ले रही हूँ। देखती हूँ अगर ज़्यादा ही मन करेगा तो जाऊँगी ज़रूर। और देखिए कितना सुंदर खिला है मेरा ये गुड़हल, प्यारा सा। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी इसकी कलियाँ बनी हुई हैं। ये है हमारी कॉलोनी का नज़ारा। ठंड से सब अंदर घुसे हुए हैं। गर्मियों के दिनों तो इस में तक काफ़ी बाहर आ जाते थे सभी। और ये देखिए, तो दोस्तों घर के सारे काम तो निपट चुके हैं और नाश्ता भी मेरा हो गया है और अब मैं हो गई हूँ तैयार हॉस्पिटल जाने के लिए। हॉस्पिटल में आज एक पेशेंट की मैंने छुट्टी करानी है जो कि पहाड़ की हैं, उनकी डिलीवरी हुई थी यहाँ पर, तो आज मैं उनकी छुट्टी कराने जा रही हूँ। और आंचल ने अब बाकी के काम आंचल के भरोसे छोड़ के और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। और देखिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं घर से बाहर निकलूँ और मैं अपने फूलों को ना देखूँ। तो बहुत प्यारे मेरे बोगनविलिया इस समय हो रखे हैं और ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल और यहाँ करानी है छुट्टी पूजा की। तो देखिए पूजा तैयार है, यहाँ पे सारा सामान पैक हो गया है, पूजा भी तैयार है अपने घर जाने के लिए। और ये इसकी पौड़ी भी तैयारी करने में जुटी हुई है। और एक बार फिर से दिखाऊंगी तुमको नन्ना मुन्ना सब। हो ये है नन्ना मुन्ना सब। हो नन्ना अपने घर जाने के लिए तैयार हो रखा है दादी अम्मा की गोदी में बैठा है। तो मेरा यहाँ का काम समाप्त हो गया है, अब थोड़ी देर बाजार जाना है, फिर जाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच गई हूँ घर। हॉस्पिटल का काम निपटा लिया था, थोड़ा मार्केट का काम था, तो अब मैं आ गई हूँ घर पे। लगभग 1:30 बज गए हैं और अभी थोड़ी देर में बच्चे भी आने वाले हैं, मेरी बड़ी बेटी और दामाद जी। फ़ोन आया था, कोई पता नहीं है उनका, कहते हैं आएंगे लेकिन नहीं भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं फिलहाल आते हैं या नहीं, उनका इंतज़ार करते हैं हम लोग। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ लड्डू। तो दोस्तों बच्चे तो अभी तक आए नहीं हैं, उनका इंतज़ार करते हुए बैठी थी तब से। तो इधर आई है हेमा, आज हेमा के घर जाती हूँ, उसका मकान बन रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा देख के आऊँ कि कैसा बना है क्या बना है। लेंटर पड़ा था, उस दिन भी मैं यहाँ थी नहीं तो इसलिए मैं वहाँ पर जा नहीं पाई। हाँ यार नकली है ये। जा ये है हेमा की छत। ये देखो बड़े इंजीनियर साहब आए हैं, बड़े इंजीनियर आए हैं यहाँ पर देखने के लिए कि लेंटर सही पड़ा है नहीं पड़ा है। तीन प्रकार के हैं नमक नमक आप पीसोगे? कौन नमक कौन नमक
मैं चीनी, ये नमक, हाँ। चीनी छी, चीनी का बेकार होता है, गुड़ लाना चाहिए। गुड़ नहीं खाइए, हट हमें छी, शुगर हो जाएगी, चीनी मत खा, गुड़ वाला नहीं है चीनी। मजा सुनो, यहाँ ये बिजोड़ है, यहाँ इस कलोनी में बिजोड़। ना ना, गुड़ गुड़ का होता है, हट, पता नहीं कहाँ से आ गई देहातन कहीं की। चीनी से कौन बनाता है रे नींबू? नींबू से कौन बनाता है? चुप जा मोने, कैसे बनाते हैं गुड़ नींबू? हम तीन मैकेनिक फेल हो गए हैं, लास्ट में आए हैं बड़े मैकेनिक। उदित रहन दो यार, ये हाँ रिदी, उदित रहन दो, ये क्या करिए ऐसे, दोनों एक ही में घुस जाएंगे हाथ। ए भगवान ने वो भैया को बुला, भैया ये उनको वो और डरते हैं, अंदर फूंक रखा है वो तो और डरते हैं। अरे लग जाओ पगला, मजे प्लग नहीं है उसमें, डालो अभी मत खोलना बटन। ओ भैया आ रहे करियो, अरे टेढ़ा और खाओ, उधर रहने दो करियो। ये बड़े कारीगर भी फेल हो गए अब, डर लग रही ना मेरे, हाँ। दिन बाद अब करंट लग रखा मेरे पे ना। मेरे को तो बचपन में लगा है, एक बार पता नहीं क्या हुआ, हमने हीटर लगा था वहाँ कल लगन में, अरे संदीप था एक डेढ़ दो साल का, अब मैं किसी सहेली से बात करी और तार में छेड़ गया, अब उन्हें हिल रहा भैया को बुलाया बेटा राम। मैंने देखा नहीं बाबू की इतने मैकेनिक फेल हो गए। हाँ ऐसे मत बोलो, पहले फेल यार, नहीं ना फेल हो गए, बिना पेपर के फेल हो गए हम। पेपर दिया आपने, आप पीछे हट गए। अरे इनसे कहती हूँ मैं भी, मोनो पापा को फोन करते, प्लग एक प्लग प्लग मंगा दे, पावर प्लग जो होता है ना वो जल रहा हो, देखो ये भी सही नहीं है, इसका जो ये है स्विच ये सही नहीं है, मैं अच्छे से लगाना है कुछ भी था ना उनको ना बेटा, मैं भी स्पार्किंग कर रहा है ना, हाँ जल रहा हो, जल हाँ वही। ये तीन मैकेनिक फेल हो गए, दो ये हो गए, तीन तीसरे ये हो गए, बुढ़िया हूँ सबसे बड़े मैकेनिक तुम ही हो, एक्सपीरियंस होल्डर।